Hello everyone, I am Manisha Awasthi, a physics teacher, and I started my YouTube channel just to help those students who cannot afford the fees go out for coaching and tuitions. आप मेरा चैनल उन तक पहुंचाइए. 9 से 12 तक के सारे बच्चों के लिए ये मैंने फिजिक्स अपलोडिंग स्टार्ट की है. बट बीच बीच में मैंने कुछ इसमें मोटिवेशनल इसलिए डाला है बिकॉज बीइंग अ टीचर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कहना कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करेगा बच्चों को, और हमारे 11, 12 के बच्चे या उससे भी 9, 10 के जो बच्चे हैं वो कुछ चेंजेस लाएंगे. बिकॉज फॉर दैट आई एम अपलोडिंग द मोटिवेशनल वीडियोज ऑल्सो इन बिटवीन, क्योंकि मेरा जो क्राउड है वो 9th से 12th तक के बच्चों का क्राउड है, जिसमें बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, आपकी मेंटल स्टेट बदलती है. शायद हम उसी समय करेक्ट टाइम पर बच्चों को सही चीजें बता दें पढ़ाई के साथ साथ, तो शायद हम एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी का बच्चा भी डेवलप कर सकते हैं. आज जो मैंने टॉपिक लिया है ना, दैट टॉपिक वॉज डिप्रेशन. ये बहुत ही कॉमन वर्ड यूज हो गया आजकल कि बच्चा क्या है, डिप्रेस्ड हो गया है, कुछ हो गया बच्चे को, डिप्रेशन हो गया है. कुछ क्या बड़े भी आजकल अगर कुछ वो करते हैं तो कह दिया कि डिप्रेशन हो गया है. बट व्हाट इज डिप्रेशन एंड हाउ इट कम्स, मैंने सोचा ऐसी जनरल व्यू बच्चों में बहुत सारी चीजों में सोचा, बहुत सारी न्यूज देखी और ये फाइंड आउट किया कि डिप्रेशन क्या है और क्यों होता है. तो डिप्रेशन में मुझे लगा सबसे पहला जो चीज होती है, दैट इज वी आर नॉट एक्सेप्टिंग आवर फेलियर्स. हम अपने फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, हम ये नहीं सोच पाते कि गलती हमने की इसलिए हमें इसका ये रिजल्ट मिला. बस वही एक्सेप्टेशन जो हमारी फेलियर की नहीं होती, वो हमें अंदर ही अंदर खाए जाती है और हमें बहुत स्ट्रेस होने लगता है, हम बहुत गुस्सा करने लगते हैं, हमें बहुत एंजाइटी होती है. शायद ये हमारे किसी मेंटल स्टेट पर कंट्रोल खो देती है. सो आई फील कि अगर हम अपने फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखें तो डिप्रेशन से शायद ओवरकम कर पाएंगे. तो फर्स्ट थिंग विच आई फील इज, जो फेलियर आपका होता है वो आपको कहीं ना कहीं लो डाउन कर देता है, दैट इज टू बी टेकन केयर. द सेकेंड थिंग विच आई फील इज एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम अदर्स. आप बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं, वो चाहे कोई भी हो ना, बच्चा बहुत ज्यादा उम्मीद अपने पेरेंट्स से लगा लेता है, पेरेंट्स बहुत ज्यादा उम्मीद अपने बच्चों से लगा लेते हैं, हम बहुत ज्यादा उम्मीद सोसाइटी से लगा लेते हैं, जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा उम्मीद अपने बिलव्ड से लगा लेते हैं, तो फेलियर हो जाता है उनका लव अफेक्शन में, तो वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं. अगर वो क्लास में फेल हो गए हैं तो वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं. मीन्स वॉट, आपने बहुत ज्यादा क्या किया है, लोगों से उम्मीदें लगा दी हैं, वो उम्मीदें आपकी अगर फुलफिल नहीं होती हैं तो यू गेट डिप्रेस्ड. तो एक एक्सपेक्टिंग द थिंग्स फ्रॉम अदर्स, टू मच फ्रॉम अदर्स, जो आप डिजर्व नहीं करते वो भी एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि मुझे क्यों नहीं मिला, अरे कैसे मिलेगा, आप उस लायक हैं क्या. तो इसीलिए आपके फेलियर्स आते हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस करते हैं, और अपने फेलियर को तो आपको मानना ही नहीं है कि हमने ये गलती करी. सो आई एम रिस्पॉन्सिबल. सो थर्ड वर्ड इज नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनीथिंग. आप अपने सक्सेस का तो अपने पर क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन फेलियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी या ब्लेम लेना नहीं चाहते हैं. दिस इज अ ह्यूमन नेचर. तो जब आपने अपनी गलतियों को नहीं एक्सेप्ट किया है तो आप उससे ओवरकम कैसे करेंगे. फिर मैंने कहा ना, एक चेन बन जाती है. फेलियर हुआ, आपने अपनी गलतियां नहीं मानी, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं मानी, आप अंदर अंदर स्ट्रेस होते गए, डिमोटिवेट होते गए, फिर आपको वो डिप्रेशन के लेवल पे ले जाता है. सो दिस इज व्हाट अ चेन इन ह्यूमन नेचर, इन साइकोलॉजी. तो व्हाट आई फील कि अगर ये सब चीजें हमें डिप्रेशन की तरफ ले जाती हैं, या हम फील करते हैं कि ये हमें लो डाउन कर रहे हैं, हमें डिमोटिवेट कर रहे हैं, तो क्यों ना हम खुद इंटरनल कुछ ऐसी चीजें अपने अंदर करें. देखिए, बहुत क्रोनिक स्टेज होती है डिप्रेशन की, शायद जो डॉक्टर समझते होंगे उसमें वो मेडिसिन दे देते हैं. ठीक है, आप मेडिसिन लीजिए, आप एंजाइटी की मेडिसिन लीजिए, आप स्ट्रेस की, इट्स ऑफ नो हार्म. इट इज नॉट अ मैटर ऑफ शेम कि अगर मुझे बहुत ज्यादा एंगर आ रहा है या बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है तो मैं मेडिसिन ले लेती हूँ. व्हाई नॉट, आप बीपी की मेडिसिन लेते हैं, आप शुगर की मेडिसिन लेते हैं, तो एंजाइटी की मेडिसिन ले ली तो इतना बड़ा क्या दिक्कत.
अगर उससे थोड़े और अच्छे स्टेज पर हैं आप काउंसलिंग करा लीजिए। आप क्या करते हैं, आप यूट्यूब में बहुत मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं या कुछ बच्चे मुझे ही सुन रहे होंगे शायद, तो आपको क्या लग रहा है, मेरी बातों से लग रहा है कि हाँ मेरी काउंसलिंग हो रही है, सही तो कह रही है मैडम, सही तो कह रहे हैं सर। तो आपने क्या किया, अपने आप से खुद बातें करके काउंसलिंग प्रोसेस से भी आप अपने डिप्रेशन लेवल को रिमूव कर सकते हैं। बात करिए, लोगों से डिस्कस करिए, लोगों से शेयर करिए। पर जब अपने फेलियर शेयर करते हैं या डिस्कस करते हैं तो आपको शर्म आती है, दैट इज द रीजन। ठीक है, कोई कहता है ना कि अरे बहुत डिप्रेस, सुशांत सिंह की बात मैं कहूंगी, डिप्रेस था कोई उस समय, कहा होता तो सुसाइड नहीं करता। अरे उस समय क्या, अगर उसको बाद में, उस समय वो बच जाता, फिर बाद में अकेला होता, फिर मर जाता। क्योंकि जिसने मरने की ठान ली है आप उसे रोक नहीं पाएंगे ना, क्योंकि वो उस लेवल पे आ चुका है। देखिए, जीने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए, ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए, मरने के लिए नहीं चाहिए। आपने तो YouTube से नॉट बांधना सीख लिया है पंखे पे, या जहर खाना, ये हमको तो पहले आते ही नहीं था और आज भी नहीं आता कि नॉट बांधते कैसे। वी आर वेरी मच सरप्राइज्ड, कोई मरता है तो पहले ये सोचते इसने पंखे में लटका कैसे होगा, हाउ कम। आज पेरेंट्स डर रहे हैं बच्चों से, अरे हम मैडम अपने बच्चों को कुछ कहेंगे ना तो वो मर जाएगा या उसमें भाग जाएगा। क्यों, व्हाई? इसलिए मर जाएगा, भाग जाएगा क्योंकि आपने उसको फेलियर सिखाया ही नहीं है बचपन से। अकेला बच्चा है या दो बच्चे हैं, वो लूडो खेल रहे हैं या वो सांप सीढ़ी खेल रहे हैं, उसमें हम हार जाते हैं उनको खुश करने के लिए। क्यों? क्योंकि बच्चा फेलियर से डर रहा है, इमोशनली वीक होता जा रहा है, जिसको आपको पता ही नहीं चलता है। फिर वही बच्चा जब सोसाइटी में कदम रखता है, 9th-10th में बच्चों के साथ फेस करता है, स्कूल लाइफ फेस करता है या फेल हो जाता है, इन दैट केस ही इज नॉट एबल टू टेक इट। वो इमोशनली इतना हर्ट हो जाता है कि वो किसी भी फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो इंस्टेड ऑफ बच्चों को वीक बनाना या उनको फेलियर से भगाना या छुपाना उनकी गलतियों को, उससे अच्छा है बच्चों में एक चीज डेवलप करिए, एंड दैट इज करेज, हिम्मत। वो करेज कैसे आती है हमारे अंदर, पहली जो होता है ना, करेज करिए आप, हिम्मत करिए कि मैं बहुत बड़ा सोचूं, मैं बहुत बिग ड्रीम्स रखूं, बहुत बड़े बड़े गोल्स अपनी लाइफ में अटेन करने का सोचूं। दैट इज अ करेज टू थिंक। अगर हम सोचने की ही हिम्मत नहीं रखते हैं तो करेंगे क्या, और अगर कर नहीं सकते हैं तो डिप्रेस क्यों होना भाई, चुप चुपचाप घर पे रहो, करेक्ट? सो करेज रखिए कि आप कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, हिम्मत दिखाइए उस काम को करने की, फुल सिंसियरिटी से, फुल कमिटमेंट से। आज हम कहीं पे भी काम करते हैं ना, जॉब करने जाते हैं तो कहते हैं यार हमारा कमिटमेंट पैसे से तो है, अच्छा पैसा देंगे, अच्छा काम करेंगे। क्यों? दैट मींस यू आर लैकिंग दैट कमिटमेंट इनसाइड यू, सिंसियरिटी इनसाइड यू। वो सिंसियरिटी लाइए ना। अगर आप हार्डवर्क करते हैं, हार्डवर्क कैसे होता है, जब आप किसी काम का कमिटमेंट शो करते हैं, आप फुल स्ट्रेंथ लगा देते हैं, तो हम ये कहेंगे कि यार उसने मेहनत तो पूरी की लेकिन हाँ रिजल्ट अच्छा नहीं आया, कोई बात नहीं अगली बार कर लेगा। लेकिन जिसने सिंसियरिटी शो नहीं की, जिसने कमिटमेंट ही शो नहीं किया, और अगर वो फेलियर आता है तो फेलियर इज श्योर, वो तो मिलेगा ही आपको। एक बच्चा मर जाता है 10th के रिजल्ट के कारण। अरे क्यों, व्हाई? क्या 10th का रिजल्ट तुम्हारा फाइनल था? नहीं, लाइफ इज सो लॉन्ग। आपको लाइफ में 10 तरीके के फेलियर्स मिलेंगे और आप एक छोटी सी हार नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। सो दैट इज व्हाट यू डोंट हैव करेज, आपके अंदर हिम्मत की कमी है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप पहला अपने अंदर हिम्मत ये बताइए कि हम बड़े बड़े एम्स कर सकते हैं, गोल्स कर सकते हैं, उसमें स्टेप ले रहे हैं। सिंसियरिटी शो करिए आप, कमिटमेंट शो करिए, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज करेज ऑफ एक्सेप्टिंग कि आई एम हैविंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई डिड इट रॉन्ग, सो आई एम हैविंग द फेलियर। मेरा डिसीजन गलत हुआ, उस गलत डिसीजन के कारण मुझे हार मिली और अब मैं उसे सुधारूंगा। आप उस प्रॉब्लम, उस हार को नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं, इसीलिए उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हैं, व्हाट आई फील। अगर हमने ये देखा कि हम हार गए तो हारे क्यों, कहां कमी रह गई थी, और अगर आपने 100% हार्डवर्क किया है तब हमें मोटिवेशन लगता है कि हाँ यार किया तो सब कुछ था, लेकिन ठीक है इस बार नहीं, अगले बार सही। चांस, गिविंग चांस, सो मेनी चांस। तो जो डिप्रेशन आता है वो आपका, कई बार देखिए हार्मोनल चेंजेस के कारण भी आता है, आपका साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल बहुत चीजें अफेक्ट करती हैं। दैट वाज आई एम सेइंग कि अगर ऐसा कुछ है देन गो टू द साइकेट्रिस्ट, गो फॉर द काउंसलिंग, देयर इज नो हार्म इन दैट। लेकिन अगर सिर्फ आपको नॉर्मल चीजें में ही डिप्रेशन हो रहा है, दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं गलत हैं अपनी सोच को लेकर।
आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप में स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, हम चिंता बहुत करते हैं। अरे चिंता करने से कब खत्म हुई है कोई चीजें? मैंने टेंशन ले लिया, आज मैं टेंशन में सुबह से बैठी हुई हूँ कि खाना क्या बनाऊं। अरे तो क्या अपने आप बन जाएगा? जाना ही पड़ेगा खाना बनाने के लिए, टेंशन लेने से क्या होता है? सब्जी नहीं लाई हूँ आज मैं, तो टेंशन हो गया मुझे। अरे तो सब्जी नहीं, तो दाल रोटी खा लो। दैट मीन्स वॉट? टेकिंग अ स्ट्रेस इज नॉट द सोल्यूशन। यू हैव टू वॉक इन द पाथ टू अचीव योर गोल। सो करेज लाइए अंदर। एक किसी ने बहुत अच्छी ये चीज कही है कि आप इतने सारे फेलियर्स अपनी लाइफ में देखिए, तभी आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन पाएंगे, क्योंकि हर एक फेलियर से कुछ ना कुछ सीखते हैं। कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं तो उनके पेरेंट्स क्या कहते हैं? अच्छा है ना, एक बार ठोकर लगी है तो सीखेगा। यस, दैट इज वॉट करेक्ट। एक बार ठोकर लगी है तब वो सीखेगा कि हाँ यार, फेल का दर्द क्या है। बच्चे हमें चिढ़ा रहे तो हम अगली बार फेल ना होना चाहें। यही लाइफ है। इसीलिए डिप्रेशन कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो हमारे पास हमें इनबॉर्न मिली हुई है, एक बीमारी, बीपी, हाईपी बीपी और शुगर टाइप हेरिडिटी आ गई। इट इज नॉट लाइक दैट। डिप्रेशन हम बनाने लगे हैं आज की सोसाइटी, क्योंकि बच्चों को आप स्ट्रांग नहीं बना रहे हैं, आप उनको स्ट्रगल करना नहीं सिखा रहे हैं, आप उन्हें ये बताते ही नहीं है कि दुनिया कितनी हार्ड एंड टफ है जिसे उसे ओवरकम करना है। उल्टा आप उसकी गलतियों को छुपा के, आप उसकी चीजों को दबा के उसे वीक बना रहे हैं, इमोशनली जो है वो वीक कर देते हैं कि वो चीजें फेस ही नहीं कर पाता है। इसलिए सुसाइडल अटेम्प्ट या घर से भाग जाना या घबराना या बच्चों में एंजाइटी या बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस बिल्कुल पुअर है उनका, वो बात ही नहीं कर पाते हैं, तो क्या फ़ायदा ऐसा बच्चों को पढ़ाने का जिनके अंदर करेज नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। तो बच्चों प्लीज़ आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि एक्सेप्टिंग रखिए अपने अंदर अपने फेलियर का। आप बताइए कि इट इज़ पॉसिबल फॉर मी, आई कैन डू इट। इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने की कोशिश करिए। ये कोट पढ़ पढ़ के जैसे आप लोग बहुत एक इन्फेचुएशन स्टेट में रोमांटिक हो जाते हैं ना, वैसे ही कोट पढ़ पढ़ करके इस एज में अपने आप का मोटिवेशन बढ़ाइए। अगर YouTube का आप यूज करते हैं तो बेनिफिशियल चीजों में यूज करिए, रेदर देन आप उसमें फालतू चीजें सीख रहे हैं, ये भी आपके हाथ में है। सो आई होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। डिप्रेशन इज नॉट द थिंग विच यू कैन नॉट ओवरकम। आप इससे अपने आप बाहर आ सकते हैं, क्योंकि मैं हर बात ये कहती हूँ, सेल्फ, मुझे अच्छा लगता है, मैं करूंगी, मैं करूंगा, इज वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया के जो चार लोग कुछ कहेंगे ना, वो चार कभी नहीं सामने आएंगे, वो चार पता नहीं कौन है जो कहेंगे। इसलिए सोसाइटी में अगर आपको स्टैंड लेना है विदाउट एनी फेलियर, यू हैव टू थिंक ऑफ योर सेल्फ नॉट फॉर अदर्स। So be confident, be courageous and try to take the decisions and try to accept the failures. फिर depression जैसी कोई चीज ही नहीं रहेगी। Thank you so much.